सभी को जाना सीखी। परमेश्वर ने जिस प्रकार प्रकृति का अपने रूल्स बनाए हैं, वैसे ही आत्मिक जीवन में भी उसी प्रकार के रूल्स होते हैं। जैसे इस दुनिया में मतलब 4-5 सीजन्स होते हैं, कभी सर्दी, गर्मी, मतलब पतझड़, मतलब वसंत, और ये सब कुछ मतलब एक प्रकृति के रूल के अंदर होता है। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी ऐसे रूल्स हैं। तो जब हम प्रकृति के रूल्स को समझते हैं, उस हिसाब से खेती करते हैं, तो फिर जो किसान है उनको समझ में आता है कि कौन से मौसम में बीज बोना चाहिए, कौन से मौसम में फसल को काटना चाहिए। जब आप जैसे बीज खरीदने जाते हैं, तो वो कोई बीज बेचते हुए हमेशा बताते हैं कि ये बीज कौन से मौसम में लगाया जाता है। तो अगर आप उस मौसम के हिसाब से उस बीज को बोएंगे, तो तभी मतलब वो आगे जाके फल उत्पन्न कर सकता है और आपकी खेती अच्छी तरह आगे बढ़ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने बीज खरीदे और कभी भी उनको उगा दिया गमलों में। तो मतलब खेती करने वाले जो किसान होते हैं, उनको भी एक प्रकृति के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आत्मिक जीवन भी बिल्कुल वैसे ही है। तो आत्मिक जीवन में भी जब आप ये मतलब नेचर के लॉजिक को समझेंगे, तभी आप मतलब जैसे आत्मिक जीवन के मतलब ऐसे रूल्स को समझना जरूरी है। और सीखने का मतलब बस इतना नहीं है ठीक है मुझे पता है या पता नहीं है, उसको विश्वास से स्वीकार करना और अपने लाइफ में उसको अप्लाई करना। तो चाहे हम जानते हो, लेकिन अगर हम अपने लाइफ में उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो उसका फायदा हमें नहीं होगा। तो हमें उसको जानना है और अपने लाइफ में उसको अप्लाई करना है। तो फिर हमें बहुत सारे आत्मिक मतलब हमें आशीष मिल सकेंगे। और अगर हमारा मतलब आत्मिक जीवन अच्छे से चलेगा, तो सब कुछ अच्छे से चल सकेगा और हमें आशीष मिल सकेगा। तो आप एक एक टाइम पे अगर आप ये नेचर के लॉजिक सीखेंगे, तो बहुत आशीष पास रहेंगे। तो आज हम उत्पत्ति की किताब से वचन देखेंगे, उत्पत्ति 11 अध्याय। उत्पत्ति 11:1 से पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल हैं और भाषा भी उन सबकी एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। 9 तक पढ़ा। तो पुराने जमाने में लोग मतलब साइंस को नहीं जानते थे, या प्रकृति के जो रूल्स हैं, लॉजिक है, उनको नहीं समझते थे। इसलिए बहुत सारे जो केमिस्ट थे, वो सोच लगे कि सोने को हम मतलब बना सकते हैं। तो ये वो बहुत सारी धातुओं को मिला के उन्होंने सोचा कि सोना बन जाएगा। तो बहुत से ऐसे लोग थे जो अपनी पूरी जान मतलब उसको लगाने के लिए बना दी। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के रूल्स को नहीं जानते हैं। तो जो सोना है, तो वो एक एलिमेंट है, मतलब वो पैदा ही सोना होता है। उसको आप ये वो चीजें मिक्स करके बना नहीं सकते हैं। लेकिन वो लोग ये वो मिला के मतलब सोना बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो सुनहरा दिखाई दे रहा था। तो उनको लगा कि बस थोड़ी और कोशिश करेंगे तो सोना बन जाएगा। लेकिन आजकल साइंटिस्ट कोई भी ऐसी मतलब कोशिश नहीं करता।
क्योंकि उनको पता है ये पागलों के काम है सोने को बनाने की कोशिश करना। तो अगर आप नेचर के लॉजिक को उसके रूल्स को नहीं समझोगे तो ऐसा ही होगा। तो आत्मिक जीवन भी बिल्कुल उसी प्रकार है। तो आत्मिक जीवन में इस बाइबल में कितनी मतलब गहरी दुनिया छिपी हुई है। तो जितनी ज्यादा गहराई में आप जाएंगे, तो बाइबल मतलब बहुत अच्छी किताब क्यों है, ये बिल्कुल मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है या मतलब मुश्किल नहीं है, गहरी है। तो गहरी बहुत ज्यादा है। तो लेकिन ये जो आत्मिक जीवन के लॉजिक्स हैं, जो रूल्स हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत क्लियर हैं। तो उद्धार पाने के बाद जब मैं अपना आत्मिक जीवन जीने लगा, तो विश्वास का जीवन की क्या कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए मुझे मतलब बहुत वेग सा लगता था परमेश्वर विश्वास करना, विश्वास से जीना क्या है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता था विश्वास से जीना क्या है आखिरकार। तो जब मैं आत्मिक जीवन को समझता नहीं हूँ, तब मतलब विश्वास से जीना चाहे बहुत ही अस्पष्ट सा लगता है, लेकिन जब तुम आत्मिक जीवन के रूल्स को, लॉजिक को समझ जाते हो, तो फिर विश्वास से जीने से ज्यादा मतलब स्पष्ट और सुरक्षित और कुछ नहीं है। तो और मजेदार बात क्या है, इन दिनों में मतलब जब स्टूडेंट्स और मतलब यूथ लोगों के साथ जब से मैं काउंसलिंग करता हूँ, तो मुझे क्या बहुत अच्छा मजेदार लगा। तो मैं पता नहीं कब से यूथ और मैटर्स में एक्सपर्ट बन गया। तो चर्च में रहने के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आशीष मुझे मिल गया। तो IYF शुरू होने से पहले हमने एक बार यूथ रिट्रीट की थी। तो तब से मैंने मतलब जैसे यूथ को लीड करने का काम किया है। तो 25 सालों के दौरान तो मैं यूथ के साथ डील कर रहा हूँ, उनकी अगुवाई कर रहा हूँ। और जब मैं यूथ के मन की दुनिया को देखता हूँ, तो सच में लोगों के मनों में रास्ते बने हुए हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। तो लोग सोचते हैं कि उनको मन की दुनिया दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर आप किसी के मन के रास्तों को देखेंगे, तो किसी इंसान का मन का रास्ता कैसे बना हुआ है, उसके हिसाब से उसके जीवन का परिणाम अलग हुए बिना नहीं रह सकते। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को जब मैं ये बताता हूँ कि अगर आप अपने मन के रास्ते को नहीं बदलोगे, तो आप पूरे जिंदगी के लिए लाइक दयनीय हो जाओगे। इसलिए उनसे लड़ाई भी करता हूँ कि अगुवाई भी करता हूँ। तो जो माँ बाप होते हैं, उनको एनी हाउ अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, अपने बच्चे सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं। इसलिए बचपन में ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन में अगर रास्ता गलत बना हुआ है, तो चाहे अभी बच्चे छोटे हैं, 8th 7th 8th क्लास में, 9th 10th क्लास में, लेकिन बाद में चल के जब ये बच्चा मतलब शादी करेगा, तो ये कितना सफल आत्मिक जीवन, कितना सफल शादीशुदा जीवन जी पाएगा, ये तलाक लेगा कि नहीं लेगा, वो सभी हमारे मन में जो रास्ते बने हुए उन पर निर्धारित है। एक बार हम एक कैंप कर रहे थे, तो मैंने कहा कि मन के रास्ते को देखिए पता चलाया जा सकता है कि बाद में शादी के बाद कोई इंसान अच्छे से जिएगा या नहीं जिएगा। तो मैंने ये प्रचार किया और एक लड़की मेरे पास आई, एक स्टूडेंट आई, उसने कहा पास मैं जाना चाहती हूँ, मेरा शादी के बाद जीवन कैसा होगा, मैं अच्छे से जीऊंगी या नहीं जीऊंगी। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर बात करने के बाद ही जान सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारे चेहरा देख के मैं कैसे बता सकता हूँ। तो अगर तुम्हारे मन में गलत रास्ता बना हुआ हो, तो सच में इंसान गलत जीवन जीए बिना नहीं रह सकता। तो एक प्रोफेसर ने किताब लिखी, उस किताब का मैं उसे क्या लिखा, उसने कोई रूल के बारे में बताया। तो उस मतलब इंसान मतलब अगर बचपन में ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, चिल्लाते नहीं है, तो वो बड़े होके ऐसा करते हैं। तो जो रूल उसने बताया था मतलब बिब्लिकली वो करेक्ट नहीं है। तो मतलब बाइबल के हिसाब से
बच्चे जो बचपन में बदतमीज होते हैं वो मरने तक बदतमीज होते हैं, बाइबल के हिसाब से ऐसा है। क्यों? क्योंकि उनके मन का रास्ता ऐसा बना हुआ है। तो मैंने बहुत तरीके से सोच के देखा, तो मतलब उस प्रोफेसर का लॉजिक गलत था मेरे हिसाब से। तो वो कह रहा था कि बच्चे जो बचपन में बदतमीज होते हैं बड़े होकर बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है। तो जिनका मन का रास्ता ऐसा बना हुआ होता है वो निरंतर बदतमीजी ही करता है, वो बाइबल के हिसाब से ऐसा है। तो दाऊद ने जब सुना कि दोएग ने सारे याजकों को मार डाला, तो दाऊद बोलते कि मैं जानता हूं उस आदमी के बारे में। क्यों? क्योंकि कोई और मतलब ऐसे याजकों पे बिना सोचे समझे हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन दोएग ऐसा कर सकने वाला इंसान है। दाऊद ने क्या देखा? उसने मन का रास्ता देखा। तो इसलिए माँ बाप जो है, तो जब कोई बीमार होता है तो फटाफट उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और मतलब उसको उसका इलाज कराते हैं। कोई जरूरत की चीज उसे चाहिए होती है तो कैसे भी करके माँ बाप मतलब उस बच्चे को लाके देते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है, मन को टेक केयर करना, मन के रास्तों को कैसे बनाना है, सही रास्ता मन के अंदर कैसा बनाना है, उस बारे में माँ बाप ध्यान नहीं देते। तो अगर आप मसीही हैं तो आप खुद भी या फिर आपके बच्चे भी, तो उनके मन में क्या रास्ता बना हुआ है उस हिसाब से उनका पूरा जीवन लाइफ निर्धारित होता है। तो सबसे पहले अगर आप इस मतलब आत्मिक लॉजिक को स्पष्ट रूप से समझेंगे आपको जब दिखाई देगा कि ये बदनसीबी का रास्ता है तो आपको कोई बोलेगा भी तुम वहां जाओ तो आप नहीं जाएंगे। तो आजकल कहते हैं कि 30% चांस होते हैं कि हर इंसान को कैंसर हो सकता है, और तो एक और स्टडी ये बताती है तो खाने के अंदर मतलब क्या कहते हैं, गंदी चीजें मिली हुई हैं या बुरी चीजें मिली हुई हैं, तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक किसी किम्पाप की वजह से लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया, एक रेस्टोरेंट के किम्पाप की वजह से, तो क्या होता है कि लोग बाकी रेस्टोरेंट से भी किम्पाप खाना बंद कर देते हैं, तो किम्पाप वालों का बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। तो लोग ऐसी चीजों के बारे में बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो बाइबल ने मतलब मन के गलत रास्ते के बारे में, मन के जब तुम गलत रास्ते में जाओगे तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा, उस बारे में बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है। लेकिन उस बारे में लोग बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, सोचते नहीं है उस बारे में, ध्यान नहीं देते हैं। तो जबकि मतलब उस बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए लेकिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो उस बात को ठीक से समझाने के लिए तो यहाँ पे आज जो हमने बाइबल में पढ़ा कि ये बाबिलोन का टावर जैसे इन लोगों ने बनाया, तो बाबिलोन का गुम्बद लोगों ने बनाना शुरू किया। तो ये बाबिलोन का गुम्बद इन्होंने कहाँ पे बनाया? 11:1, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तो सबसे बड़ी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो इनको शिनार देश मिला और वहां पे उनको एक मैदान मिला। तो परमेश्वर की जो इच्छा है, तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम मतलब फले फूले और पृथ्वी पे भर जाएं। तो परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जाति पूरी दुनिया में फैल जाए, लेकिन ये लोग पूर्व की ओर चलते गए और फिर उन्होंने शिनार देश मिला और उनको लगा कि ये प्लेन लैंड है, इसलिए रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो शुरुआत में अरे ये शिनार का मैदान बहुत अच्छा है, यहीं पे रहना चाहिए। तो पहले वो वहां पे रुक गए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये उस मैदान में बस गए और जब ये वहां पे बस गए तब
इनके मन की सोच किस दिशा में गई? तीन में तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं और उनको पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपने नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो परमेश्वर चाहता है कि सारी पृथ्वी पर फैल जाए, लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि हम मतलब सारी पृथ्वी फैलने से बच जाए, हम सारी पृथ्वी ना फैले। मतलब ये परमेश्वर के मन की दिशा से बिल्कुल ऑपोजिट दिशा में जा रहे हैं। तो हमेशा ऐसे ही होता है। तो इंसान को क्या पसंद है? जहां कोई बर्डन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बोझ ना हो, मैदान जैसी जगह जहां पे आसानी से खेती की जा सकती है, आसानी से फसल काटी जा सकती है, ऐसी जगह इंसान को पसंद होती है। तो मतलब इंसान को वो रास्ता पसंद है जहां प्रॉब्लम्स ना हो, मुश्किल ना हो, बोझ ना हो। लेकिन वो मार्ग सच में परमेश्वर का विरोध करने का मार्ग है। तो इसलिए मन की दुनिया में तो हम जो मनुष्य हैं, क्योंकि हम श्रापित हैं, तो इसलिए हमें बताया गया है कि जब हम मतलब क्या कहते हैं, पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे, तब हम रोटी खाएंगे। इंसान के लिए काम करना जरूरी है। तो वे अदन की वाटिका में मतलब बहुत आराम से रह रहे थे, लेकिन अब वो मतलब वो पैराडाइज नहीं रहा। तो वो खुशी जो है वो टूट गई है पाप के आने से। इसलिए इंसान को परमेश्वर ने कैसे करने के रहने के लिए बनाया है, मेहनत करने के लिए, पसीना बहाने के लिए बनाया है। तो बाइबल में लिखा है कि जो काम नहीं करना चाहता वो रोटी भी ना खाए। तो इसलिए इंसान को मेहनत से काम करना, तभी इंसान खुश रह सकता है। तो इसलिए आप लोगों के लाइफ में आप नौकरी करते हैं और सिंसियरली नौकरी करते हैं, मन डाल के काम करते हैं, और अपने परिवार का काम भी, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो मतलब ऐसे गंद मचा के घर पे रहने की बजाय अच्छे से मतलब अपने घर को रखते हैं, और उसके और मोर ओवर लाइक आपका आत्मिक जीवन का काम भी आप मेहनत से करते हैं। तो परमेश्वर ने हमें ऐसे जीने के लिए बनाया है एक्चुअली। तो परमेश्वर ने क्यों कहा है कि अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो खाना मत खाओ? क्यों? क्योंकि इंसान चाहता है कि वो काम ना करे, आराम से रहे, एक जगह पे बैठ जाए बस। तो वो जीवन इंसान को कभी खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसी पोजीशन में इंसान हमेशा पाप करता है, गलत काम करता है, बुराई करता है। इसलिए मैदान में बस जाना जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ नए नए कामों को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, आरामदायक जीवन जीना परमेश्वर की नजरों में अच्छा नहीं है। परमेश्वर कहता है कि ये जान लो कि वहां पर तुम बर्बाद हो जाओगे। इसलिए सब कुछ करना है, तो हर चीज को हमें चैलेंज करके करना है। तो इन दिनों में गंगनाम चर्च में कोई रिपेयर का काम चल रहा था, तो मैं कोई इंग्लिश की मतलब कुछ बुक्स लेके आया वहां से, और मैंने अपनी बेटी को दिखाया कि देखो मैं यहाँ पे इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा हूँ, इंग्लिश के वर्ड्स याद कर रहा हूँ। दो पेजेस पे मैंने ऐसे पर भर के लिखे हुए थे। तो मेरी बेटी ने जैसे ही देखा तो मेरी बेटी बोल रही है, पिताजी ये आपके कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाओ। मैंने कहा क्यों? तो कह रहे कि कॉलेज स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन करते नहीं है, तो उनके लिए लाइक फायदा होगा। तो मैंने जब मतलब जूम मीटिंग चल रही थी तो मैंने जूम पे बच्चों को दिखाया कि मैं ऐसे पढ़ाई करता हूँ। तो जो स्टूडेंट लोग, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो कल भी एक स्टूडेंट आया था, तो वो इस हद तक मतलब उसके मार्क्स बुरे हैं कि आगे को यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता। तो आजकल एक प्रोफेसर क्या बताते हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कॉलेज आते ही नहीं है। तो कोरोना के टाइम की बात नहीं है, उससे पहले की बात है, तो मतलब बस गिव अप कर देते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स मतलब मेहनत से आते हैं लेकिन वो सोते रहते क्लास में।
फिर प्रोफेसर बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है ऐसे करके तुम पास हो जाओगे, लेकिन बाद में कह रहे कि ऐसे स्टूडेंट को आप मार्क्स दिए बिना नहीं रह सकते। तो चाहे उसने एग्जाम में अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की है, लेकिन बाकी बच्चे एब्सेंट थे, लेकिन जो एक सिंसियरली आने वाला बच्चा चाहे वो क्लास में सो रहा हो, उसको फिर भी प्रोफेसर मार्क्स देते हैं। इसलिए कम से कम लाइक सी ग्रेड तो दे देते हैं ऐसे स्टूडेंट को। तो ऐसी कहानी मैंने एक बार सुनी थी, तो मतलब मैंने कहा कि अपना अपने अपने यूनिवर्सिटी क्लासेस को मिस मत करो, मेहनत से सिंसियरली जाओ और होमवर्क भी टाइम टाइम पे सबमिट करो और एग्जाम भी दो, तो कम से कम इतना करोगे तो तुम मतलब पास तो हो जाओगे, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। तो सब कुछ करना जरूरी है, तो फिर से केवल वो करना काफी नहीं है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना काफी नहीं है। तो मतलब मैं पास हूँ इसलिए मुझे बाइबल भी पढ़नी है, और क्योंकि कोरोना का पीरियड है इसलिए बाइबल ज्यादा पढ़नी है, बाइबल पढ़ के एक्सरसाइज करके सब कुछ लाइक मेहनत से करना है। क्यों? परमेश्वर ने सच में पाप किए मनुष्य को क्या बोला कि तुम मेहनत से अपनी रोटी खाओगे, और न्यू टेस्टामेंट में ये लिखा है कि जो काम नहीं करता उसको रोटी खाने का अधिकार नहीं है। तो हर मामले में सच में मन डाल के हमें हर काम करना है, इसलिए माइंड एजुकेशन भी करना है और मतलब अलग अलग चीजों के लिए मन डालना है, और उसके अलावा भी बहुत कुछ है तो मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता अभी, लेकिन जब हम मन डाल के काम करते हैं तो वहां से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और खास करके जो आत्मिक काम है, जो कलीसिया का काम है, तो जब आप मन डाल के काम करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे आशीष का आप आविष्कार कर सकेंगे। तो मेरा बेटा जब छोटा था तो मैंने एक बार उसको बर्थडे गिफ्ट दिया था, शायद मैं अफ्रीका में था तो उसके बर्थडे पे मैंने उसको गिफ्ट दिया, तो बच्चे एक स्नैक्स खाते थे तो मैंने मतलब जैसे लगा लो कि एक स्नैक्स का बॉक्स था उसके अंदर मैंने गिफ्ट डाल के दिया, तो उसने एकदम से वो बॉक्स देखा, उसने कहा कि पापा ये क्या है, मुझे स्नैक्स दे रहे हो आप गिफ्ट के रूप में, लेकिन असलियत में उस बॉक्स के अंदर स्नैक्स नहीं था, बहुत अच्छी चीज थी। तो फिर मैंने जब उसको दिया उसने बोला ये क्या दे रहे हो पापा, तो मैंने कहा खोल के तो देखो, तो जब खोला तो उसके अंदर गिफ्ट था, तो वो बहुत खुश हुआ। तो परमेश्वर भी, परमेश्वर जब हमें गिफ्ट देता है तो परमेश्वर का जो गिफ्ट का पैकेज है वो पैकेज हमेशा आत्मिक जीवन है, तो और उसके अंदर हमारी खुशी, हमारी मतलब हमारे जीवन के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ अंदर है। तो दुनिया में जो मूर्ख लोग हैं, जो वो ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मुझे आत्मिक जीवन नहीं जीना है, तो उसको मतलब क्या हुआ? तो परमेश्वर ने जो कुछ मेरे जीवन के लिए तैयार किया है वो सारी ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए नहीं है, मैं उनको लेना नहीं चाहता। तो अगर आप नहीं लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? तो आपके लिए कैसा जीवन आपका वेट कर रहा है? तो एक बार आप बाइबल मत्ती किताब को देखिए, मत्ती 22 22 का 1, यीशु फिर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरा बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को।
अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तो ये लोग, राजा ने बोला कि विवाह के बोझ में आओ, लेकिन ये लोग उपेक्षा करके अपने खेत को और अपने व्यापार को चले। तो अपने खेत में जाके ये लोग क्या करेंगे, अपने खेत में जाके ये कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने व्यापार में जाके कुछ प्राप्त करना चाहता है। तो मतलब मालिक, मालिक ने नाम विवाह का बोझ रखा है, लेकिन असलियत में राजा जो चीज ये अपने व्यापार या खेत में जाके प्राप्त करना चाहते हैं, उन चीजों को मतलब राजा ने सब कुछ तैयार किया है। तो जो राजा मतलब जो ये लोग अपने व्यापार या उससे चाहते हैं वो सब राजा की शादी में है। तो आप लोग आत्मिक जीवन ना जीकर दुनिया में जाके जो भी प्राप्त करना चाहते हो, तो वो परमेश्वर ने असलियत में आत्मिक जीवन के अंदर सब कुछ तैयार कर रखे हैं। तो जो चीजें आपको खुश रखने के लिए, आपको आपको मतलब क्या कहते हैं, धन्यवादी मन देने के लिए, आपको सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने आत्मिक जीवन के अंदर छिपा के रखी हुई है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम आत्मिक जीवन जीना नहीं चाहते, वो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो ये राजा के विवाह भोज में जाना नहीं चाहते। हाँ, हम अपने खेत में जाना चाहते हैं, अपने व्यापार में जाना चाहते हैं, और जो हमें चाहिए हम वहां से प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्वास नहीं करते कि राजा ने उस भोज में सब कुछ तैयार किया है। तो आपके आत्मिक जीवन में, तो खास करके हमारे मिशन से ज्यादा आशीषित कोई और मिशन शायद नहीं है। तो हमारी कलीसिया के अंदर, तो अगर आप काम करना चाहें तो बहुतायत में काम है, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, कोई अनपढ़ हो, तो कोई पुराने जमाने में कैसे भी अपना जीवन जिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कभी भी ऐसी चीजों को कंसिडर नहीं करते। तो जो भी काम करने का मन रखना रखता है, हम पूरे मन से उसको पुश करते हैं और उसके लिए सब कुछ तैयार करते हैं। और हमारा मिशन सच में वो काम करता है। तो जब मैं मतलब तो जैसे केन्या में मैं जैसे जो वर्ल्डली पास्टर्स थे, उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि उनके पास लाइसेंस नहीं होता था, इसलिए तो मतलब बाकी जो बड़े बड़े चर्चेस हैं उनको लाइसेंस देते नहीं थे। लेकिन उल्टा हमारा चर्च जो मन से काम करना चाहे, हम पूरा मन डाल के उसको सब कुछ उसको देते हैं। लेकिन ऐसा मिशन अफ्रीका में कोई नहीं था। तो हम अगर ये जाने कि हाँ ठीक है, इस वजह से सुषमाचार का प्रचार होगा और आत्मिक काम होगा, तो जहां तो एक बार हम लोग क्या कहते हैं, होम कमिंग फेस्टिवल कर रहे थे, तो पूरे कोरिया में हम घूम घूम के वो प्रोग्राम कर रहे थे। तो उस प्रोग्राम में जो भी खर्चा हो रहा था बहुत ज्यादा था एक्चुअली। तो हम लोग पूरा क्या कहते हैं, जिमनेजियम जब रेंट करके प्रोग्राम करते हैं तो किसी और कंपनी को हायर करना पड़ता है स्टेज के लिए और लाइटिंग के लिए। तो अगर हम आउटसोर्स करें सारे काम को, तो उस क्या कहते हैं, एक प्रोग्राम को करने में 5 करोड़ से भी ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। लेकिन हम लोग हमारे मिशन में हमारे मिशन के पास खुद के पास सब कुछ एबिलिटी है सब कुछ करने की, इसलिए हमारे सिर्फ रेंटल जाता है ऑडिटोरियम का। तो रेंटल ही करीबन 1 करोड़ के करीबन होता है। उसके अलावा जैसे स्टेज लगवाना और ये सब करना, तो उसके अलावा बाकी जो भी लेबर कॉस्ट कुछ नहीं लगता, क्योंकि हमारे लोग वॉलंटियरली काम करते हैं। तो अगर हम लगा लो 5 करोड़ के 10 प्रोग्राम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 करोड़ होगा राइट। तो
सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी भी क्या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करके प्रोग्राम करेगी? नहीं करेगी, तो नहीं कर सकते वो इतने बड़े स्केल पे प्रोग्राम जैसे हम लोग मतलब यूथ लोगों के लिए करते हैं। तो हमारा मिशन मतलब कितना आशीषित मिशन है कि जो बच्चे लाइक वॉलंटियर बन के जाते हैं वापस आके मतलब उनके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम तैयार कराते हैं इतने पैसे इन्वेस्ट करके भी और उनको इतने बड़े स्टेज पे खड़े होने का मौका देते हैं। तो मैं अपने चर्च के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे मन में मतलब धन्यवाद ही मन होना चाहिए, सैमसंग कंपनी भी तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कर सकती जैसे हम कर रहे हैं। तो हमारा मतलब मिशन ऐसा है जहाँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अपना सपना पूरा कर सकते हैं, हम पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं। तो वर्ल्ड के अंदर जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स उनको भाग लेने देते हैं चाहे उसमें कितना खर्चा होता है कितना पैसा लगता है। लेकिन फिर भी हम मन डाल के उनको सब स्पॉन्सर करते हैं। तो जब बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह आके जब हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो वो किस बात के लिए बहुत लाइक ईर्ष्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि जब हम जवान थे तब ऐसे स्टूडेंट्स क्यों नहीं होते थे। तो क्या कहते हैं मतलब अगर हमारे पास ऐसा मौका होता तो हम भी सुनते। और कोई बोलता है कि हाँ मैं भी अपने बेटे को लाइक ये वॉलंटियर प्रोग्राम के लिए भेजना चाहता हूँ, कितना अच्छा प्रोग्राम है ये। तो मतलब कवर लाइक आत्मिक जीवन है लेकिन अंदर हमारे लिए कितने सारी चीजें तैयार हैं। और अगर हम मतलब आत्मिक जीवन के ऑपोजिट वे पे जाएंगे फिर क्या होगा? तो उत्पत्ति 11 में तो हमारे तो उन्होंने बाबेल के टावर को बनाया कि हम मतलब पूरे पृथ्वी पे बिखर ना जाए। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया? तो उत्पत्ति 11 का 5 देखिए। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और अब जब कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। तो परमेश्वर ने इस प्रकार काम किया। तो जब हम परमेश्वर के रास्ते से अलग रास्ते पे जाते हैं तो परमेश्वर वहां पे जरूर उतर आता है और उस काम को आगे बढ़ने से अपने तरीकों से उसमें बाधा डाल देता है, परमेश्वर उस काम को रोक देता है। तो ये जो बाबेल का टावर था तो परमेश्वर क्या कर सकता था? परमेश्वर अर्थ को एक उत्पन्न करके उसको तोड़ सकता था लेकिन परमेश्वर क्या किया? तो मतलब इंसान ने जो इमेजिन ही किया था तो मतलब परमेश्वर ने क्या किया उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। तो मतलब वो एक दूसरे की बात नहीं समझ पाए इसलिए मतलब इस पृथ्वी पे बहुत सारी भाषाएं बन गई और भाषाएं सब मतलब उलट पुलट हो गई। ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे कि अपने नाम से एक बड़ा गुम्मट तैयार करेंगे लेकिन क्या ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया क्योंकि परमेश्वर ने उस काम को ब्लॉक कर दिया। तो आपके जीवन के रास्ते में भी सेम है। तो अगर आप आत्मिक जीवन नहीं जिएंगे और बोलेंगे मैं अपने मन से जीऊंगा तो मतलब क्या सच में मैं जो हम चाहते हैं क्या उसे हासिल कर पाएंगे? परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाके परमेश्वर की इच्छा से अगेंस्ट जाके हम अगर कुछ करेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे।
परमेश्वर ने उनके काम में दखल अंदाजी की और उनको उस काम को पूरा नहीं करने दिया, उस काम को बीच में रोक दिया। तो ये तरीका तो हमारे लाइफ के रास्ते में, हम नहीं जानते कि परमेश्वर कैसे हमारे रास्ते को रोक देगा, लेकिन परमेश्वर जरूर हमारे रास्ते रोक देता है। और ऑपोजिटली तो कोई कोई ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल इम्पॉसिबल होती हैं, ऐसा लगता है कि हो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा है तो परमेश्वर जरूर ऐसे कामों को पूरा करता है। तो उत्पत्ति 11 में बाबेल टावर बनाने की कहानी है, और उसके बिल्कुल नेक्स्ट हम उत्पत्ति 12 देखते हैं। उत्पत्ति 12 उसका नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन 12 में बिल्कुल लाइक एक ऑपोजिट स्टोरी है। तो परमेश्वर की इच्छा के पीछे चल के एक व्यक्ति कहानी है जो परमेश्वर की इच्छा के पीछे चलता है। तो उत्पत्ति 12 से अब्राहम का लाइफ शुरू होता है। अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। अब्राहम उत्पत्ति 12 का एक, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला तब समय उस समय वह 75 वर्ष का था। तो यहाँ पर हम 4 में देखते हैं, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। तो जब वो इस मार्ग पे चला तो परमेश्वर ने सच में हजारों तरीके उसकी हेल्प की, और उस रास्ते में उसको हजारों मतलब मदद किया। तो उत्पत्ति 11 भी एक बार देखिए, उत्पत्ति 1:28, उत्पत्ति 1:28 वचन, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाशीय पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पे भर जाने के लिए बोला, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन ये लोग मतलब इधर उधर फैलना नहीं चाहते। क्यों फैलना चाहते? क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं जाना चाहते, परमेश्वर के वचन के ऑपोजिट रास्ते पे जाना चाहते हैं। तो उस रास्ते पे तो परमेश्वर ने इनको, इनके रास्ते को रोकने की कोशिश की। ऑपोजिटली 12 में, उत्पत्ति 12 में जब यहोवा के वचन के पीछे चलता है तो मैं क्या, कोई मेरे पास एक बच्चा भी नहीं है, मेरे द्वारा कैसे बड़ी जाति उत्पन्न होगी, मैं कैसे आशीष का सोता बन सकता हूँ, मैं कौन हूँ? तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बातें परमेश्वर ने उसको बताई, तो कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी यहोवा के वचन के पीछे वो जाता है। तो जब वो ऐसे यहोवा के वचन के पीछे जाता है तो अब्राहम चाहे कमियों कमजोरियों से भरा हुआ व्यक्ति था, और चाहे वो मतलब हिजाब भी नहीं रखता था, और उसने अपने पत्नी को अपनी दीदी बता के धोखा भी दिया था, और उसके अंदर मतलब ऐसी कमियां घटियां कमजोरियां थी। लेकिन जरूरी बात क्या है, वो सारी परिस्थितियों के पार चल के उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। तो उसके परमेश्वर की मदद हम उसके जीवन में देख सकते हैं। और उसी उत्पत्ति 12 में वो मतलब अपनी पत्नी को बेच देता है और मिस्र को चला जाता है। मतलब उसको जाना नहीं चाहिए था, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से वो मिस्र चला जाता है, और वहां जाके वो पूरे तरीके से इंसानी तरीकों का
इस्तेमाल करता है और अपनी पत्नी को बचाने के लिए ये वो झूठ बोलता है कि ये मेरी दीदी है, ऐसे बोल देता है। तो वो कहता है कि हाँ, अगर मैं अपनी पत्नी को अपनी दीदी बता दूंगा तो मैं बच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको बताऊंगा कि मेरी पत्नी है तो वो मुझे मार देंगे, उसको छीन लेंगे। तो उस जमाने के हालात शायद ऐसे थे। तो उस जमाने में जो फिरौन राजा था, बहुत लाइक बड़ा राजा था, अब्राहम के जनरेशन में भी, लाइक उस जमाने में उन लोगों के पास पिरामिड्स थे। तो मतलब इजिप्ट सिविलाइजेशन जो है वो दुनिया में मतलब सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी उस जगह में। मतलब उनके पास नाइल नदी थी, उसके आसपास मतलब उनके पास खेती करने के लिए बहुतायत में जमीन थी। मतलब वो लोग सबसे अमीर लोग थे उस सदी के। तो नाइल नदी कभी सूख नहीं सकती थी, इसलिए जिस प्रकार ये शिनार के मैदान में बस गए, तो ये नाइल नदी के पास जो सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, तो वो बहुत बड़ा इजिप्ट सिविलाइजेशन था, जो मतलब उस जमाने का सबसे ज्यादा उन्नति किया हुआ सिविलाइजेशन था। तो पिरामिड जो है वो दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है। वो पिरामिड उन्होंने उस जमाने में बनाए थे। तो पिरामिड के जो सीक्रेट्स हैं वो अभी तक दुनिया को समझ में नहीं आया है। तो पिरामिड के अंदर एक्चुअली में कुछ नहीं है। तो वहां पे कोई सीक्रेट रूम ऐसे पहले बोलते थे। तो उन्हें बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा, लेकिन एक छोटा सा एक होल सा था। उसके अंदर जाके देखा, एक बड़ा सा लाइक एक पैसेज था। तो उन्होंने मतलब एक रोबोट को अंदर भेजा 60-70 मीटर्स अंदर, और आगे मतलब एक दीवार, बंद दीवार दिखाई दी। तो वो दीवार एक्चुअली ऐसे ही बंद नहीं है, उसके बाहर एक हैंडल जैसी चीज लगी हुई है। तो अगर उसको खोलेंगे तो उसके अंदर क्या है वो दिखाई दे सकेंगे, लेकिन उसको खोल नहीं पा रहे अभी तक लोग। इसलिए मतलब अभी तक लोग क्यूरियस हैं कि उसके अंदर क्या है। तो फिर लोगों ने सोचा कि ठीक है, इसको लाइक एक होल बना के एक कैमरा डाल के देखते हैं कि अंदर क्या है। इसलिए लोगों ने स्पेशल परमिशन ली और उसके अंदर एक होल बनवाया और होल बना के कैमरा अंदर भेजा। तो उसके ऊपर एक और लाइक क्या कहते हैं, एक टनल है, और उस टनल के बाहर भी सेम हैंडल लगा हुआ है दरवाजे की तरह। तो वहां तक भी अभी तक लाइक लोग समझ नहीं पाए कि क्या है। तो पिरामिड के सीक्रेट को मतलब अभी तक लोग समझ नहीं पाए कि उसको क्यों बनाया गया और क्यों इस तरीके से बनाया गया और उसके अंदर असलियत में है क्या। तो उस पिरामिड के जैसे जो डायमेंशंस हैं, तो जो उसका जो टिप है, तो मतलब जितना परफेक्टली वो पिरामिड बनाया गया है कि आज मॉडर्न आर्किटेक्चर भी वो ऐसी बिल्डिंग नहीं बना सकता। तो इजिप्ट इतनी डेवलप कंट्री है, वहां पे जाएगा अब्राहम तो घबरा गया होगा वो। तो अगर मान लो कि उस देश का फिरौन उसकी पत्नी को ले लेता है, तो अब्राहम क्या बोल सकता है? कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन परमेश्वर ने लाइक उस काम में दखल अंदाजी की और अब्राहम की पत्नी को वहां से बाहर निकाला। तो वो उत्पत्ति 12:17 में लिखा है। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी अपनी पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा। तो अब्राहम अपनी ताकत से काम नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने
परमेश्वर ने अब्राहम की लाइक हेल्प की, हम महसूस कर सकते हैं। फिरौन के घर में पड़ी मतलब प्रॉब्लम आई और उसकी पत्नी को वहां से बाहर निकाला। क्यों? क्यों? क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की इच्छा के पीछे चल के अपना जीवन जिया। इसीलिए परमेश्वर ने लाइक हर उसके जीवन के मोड़ पे उसकी मदद की, उसके लिए काम किया। तो आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग जो वीडियो पे ये सर्मन सुन रहे हैं, तो आप उत्पत्ति 12 के मार्ग पे खड़े हैं, उत्पत्ति 11 के मार्ग पे खड़े हैं, आप साफ उस बारे में देख सकते हैं। तो चर्च के अंदर जो लोग ठीक से आत्मिक जीवन नहीं जीते, अंधकार में अपना जीवन जीते हैं, चर्च से दूर होकर अपना जीवन जीते हैं, संडे को एक बार मुश्किल से आते हैं, चर्च के काम में साथ नहीं देते हैं, चर्च से दूर हैं, अपने जीवन में बिजी हैं, अपना जीवन जीने के लिए जी रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं, वो उत्पत्ति 11 के मार्ग पे हैं। तो उस मार्ग पे तो आप जो भी काम करें, परमेश्वर आपके जीवन में दखल अंदाजी करेगा और आपको बाबेल टावर खड़ा करने नहीं देगा। परमेश्वर हर काम को मतलब नहीं बनने देगा, आपको नगर बनाने नहीं देगा। तो आप क्या उस परमेश्वर के द्वारा जीना चाहते हैं, या फिर उस परमेश्वर के द्वारा जीना चाहते हैं जो चाहे आप गलती करें लेकिन हर बात में आपकी मदद करे, आपके लिए काम करे और हर चीज को मतलब सुंदर तरीके से बदल दे? क्या या आप उस मार्ग पे चलेंगे? आप कौन से मार्ग पे चलेंगे? तो आप सोच रहे होंगे, हाँ कुछ नहीं होता, काम कभी बनता है कभी नहीं बनता है, अभी नहीं बन रहा तो बाद में बन जाएगा, वैसा मत सोचिए। अगर आप उत्पत्ति 11 के मार्ग पे खड़े हैं तो आप कुछ भी करेंगे आपका नहीं बनेगा, आपका नहीं हो पाएगा। तो परमेश्वर आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है, रास्ते को बंद कर रहा है। तो आत्मिक जीवन बिल्कुल सेम मतलब दो रास्तों में बंटी हुई है। तो आप उत्पत्ति 11 का जीवन जी रहे हैं या 12 का जीवन जी रहे हैं? आप 11 बाइबल टावर बनाने का काम कर रहे हैं या फिर अब्राहम के साथ अपना जीवन जी रहे हैं? आप परमेश्वर के वचन के मार्ग पे चल रहे हैं या वचन के मार्ग से ऑपोजिट मार्ग पे चल रहे हैं? तो आत्मिक जीवन हम जिए तो भी ठीक है, नहीं जिए तो भी ठीक है। तो हम या फिर हम मन से मतलब काम कर रहे हैं, तो आत्मिक जीवन बहुत सिंपल है। तो आप किस रास्ते पे खड़े हैं तो उस हिसाब से परमेश्वर की कौन सी ताकत आपके जीवन में काम कर रही है, काम बनाने वाली ताकत काम कर रही है, काम बिगाड़ने वाली ताकत काम कर रही है, उस हिसाब से आपका जीवन का परिणाम आगे ना रह सकता। तो ये दोनों मार्ग बिल्कुल अलग हैं। तो आज आपके जीवन में बिल्कुल ये रूल अप्लाई होता है। तो आप कैसे भी रास्ते पे हो लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, और आप किस तरफ खड़े हैं, परमेश्वर के साइड पे परमेश्वर की तरफ खड़े हैं या परमेश्वर के ऑपोजिट खड़े हैं? तो एक इंडिविजुअल के लाइफ में भी ऐसा है। तो आप जब परमेश्वर की इच्छा से अलग रास्ते पे चलते हैं तो फिर आपका जीवन मतलब उतराव चढ़ाव ऐसे रास्ते पे चले बिना नहीं रह सकता। तो बिल्कुल अलग रिजल्ट निकल के नहीं आ सकता। तो अगर आप दाऊद के जीवन को देखो तो ये चीज परमेश्वर बहुत क्लियरली हमको दिखा रहा है। तो हम एक बार पहले शमूएल की किताब को देखते हैं।
पहले शमूएल में हम दाऊद की लाइफ को देखते हैं। पहला शमूएल 27 अध्याय देखेंगे। तब दाऊद सोचने का, अब मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फिलिस्तियों के देश में भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश से किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तो पहले शमूएल 27 में तो यहाँ दाऊद मतलब परमेश्वर की इच्छा से भटक जाता है, परमेश्वर की इच्छा से अलग रास्ते पे चला जाता है। तो परमेश्वर ने उसको यहूदा में जाने के लिए बोला था, लेकिन यहूदा में मतलब शाऊल उसके बुरी तरीके से पीछे पड़ा हुआ था, तो लेकिन फिर भी परमेश्वर की रक्षा कर रहा था। लेकिन 27 में आके दाऊद क्या सोचता है कि हाँ अब तक तो मैं दाऊद शाऊल के हाथों से बच गया, लेकिन मैं कब तक ऐसे ही बचता रहूंगा, तो मैं फिलिस्तियों के देश भाग जाता हूँ। तो फिलिस्तियों के यहाँ चला गया और फिर 6 में क्या हुआ, तब आकीश ने उसे उसी दिन ज़िकलग बस्ती दी, इस कारण से ज़िकलग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। तो जब वो फिलिस्तियों के यहाँ गया तो आकीश राजा ने उसको ज़िकलग की बस्ती दे दी। तो जब वो ज़िकलग को गया तो मतलब बहुत कुछ अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था वहां पे, और उसे लगा कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जब हम 30 अध्याय में जाते हैं, पहला शमूएल 30 का 1, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत ज़िकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालकियों ने दक्षिण देश और ज़िकलग पर चढ़ाई की और ज़िकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार दिया। तो ज़िकलग जला दिया गया, फूंक दिया गया, और उसकी उनकी पत्नी बच्चे सब लाइक बंदी बना लिए गए। तो अब ये और मतलब दाऊद भी पकड़ा गया, तो मतलब क्या कहते हैं, तो मतलब दाऊद के अपने साथी इतने परेशान हो गए, वो बोलते हैं कि इसको पत्थर मारो। 6 वचन देखेंगे, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तो लाइक मतलब बहुत ज्यादा बुरी परिस्थिति उसके लाइफ में आ गई। उसके बाद 7, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब अब्यातार एपोद ही को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उससे उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले पर पहुंचा, वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद जो 400 पुरुष समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसोर नाले के पार ना जा सके वहीं रहे। दाऊद तो 400 पुरुष के समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे वे बसोर नाले के पार ना जा सके। तो दाऊद मतलब जब वो परमेश्वर की इच्छा को पूछता है तो परमेश्वर कहता है कि ठीक है, तो उनका पीछा कर, तू जरूर उनको मतलब जीत लेगा और सब कुछ वापस ले लेगा। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। तो अब इस पल दाऊद को क्या करना है, उसको परमेश्वर की इच्छा के पीछे चल के जाना है। ये जो मतलब उसको पता नहीं है कि अमालकी लोग कहाँ चले गए हैं, कैसे चले गए हैं, तो ठीक है वो बोलते कि मैं उनके पीछे जाता हूँ, उनको पकड़ लेता हूँ। तो मतलब उसके कुछ लोग इतने ज्यादा निराश हो चुके हैं कि वो उसके जाने को भी तैयार नहीं है, तो बस बेसोर के नाले पे वो उनको मतलब वहीं पे छोड़ देता है। तो मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने मन की ताकत को खो चुके हैं वहां पे, बस हमारा जीवन बर्बाद हो गया, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसी सोच में गिरे हुए लोग हैं वहां पे।
लेकिन दाऊद चाहे पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है लेकिन वो परमेश्वर से पूछता है और परमेश्वर के वचन के पीछे चलता है। तो इसलिए अब वो उत्पत्ति 12 के मार्ग पे आ गया। परमेश्वर मतलब हर लिहाज से उसकी मदद कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है, इसीलिए उसको कहाँ जाना है कुछ नहीं पता, वो भागता चला जा रहा है। लेकिन वहां पे 11 में हम देखते हैं कि एक अमालकी लड़का उसको मिलता है, एक मिस्री लड़का उसको मिलता है। तो अमालकियों का वो नौकर होता है, वो बीमार पड़ जाता है, उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो इस व्यक्ति को ऐसे ही जमीन पे फेंका हुआ था, तो परमेश्वर ने सच में दाऊद की मदद के लिए इस लड़के को तैयार किया, इस लड़के को बीमार होने दिया, और बीमार भी इतना ज्यादा नहीं होने दिया कि वो मर जाए। तो मतलब 3 दिन अगर वो भूखा भी ऐसा रहेगा तो मर जाएगा तो क्या फायदा होगा। तो अगर मतलब मिस्र को दाऊद को इस लड़के की डेड बॉडी मिलती तो कैसे उसकी मदद करता। लेकिन परमेश्वर उसको उस लिमिट तक बीमार होने दिया कि मतलब ये मरे भी ना और मतलब बीमार रह के वहां पे ऐसे ही पड़ा रहे। और अमालकियों को लगा कि ये बीमार को लेके हम क्या करेंगे, मतलब इसका कोई फायदा नहीं, इसको उठा के फेंक दिया उन्होंने। तो अगर उनका खुद का कोई बंदा होता तो शायद उसको ना ऐसे फेंकते, लेकिन ये मिस्री लड़का था इसलिए उन्होंने इसको फेंक दिया। और एनी हाउ लाइक परमेश्वर ने उस लड़के को ऐसे बीमार पड़ने दिया और उसको ऐसे इस रास्ते पे मतलब तैयार करके रख दिया कि दाऊद की वो मदद कर सके। तो दाऊद ने इसको रोटी दी और इसको मतलब ताकत दी और ये दाऊद को उसके शत्रुओं तक ले गया। तो इतने मतलब स्पेशल तरीके से परमेश्वर ने दाऊद की हेल्प की। तो जो काम इम्पॉसिबल था परमेश्वर ने मदद की कि वो बन गया। तो ये उत्पत्ति 12 का मार्ग है, आत्मिक जीवन का मार्ग है। जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर इस तरीके से हमारी मदद करता है। लेकिन विपरीत रूप से जब हम आत्मिक जीवन के ऑपोजिट रास्ते पे जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा नहीं है फिर भी हम उस रास्ते पे जाते हैं, तो बाबेल टावर बनाना ठीक है इंसान बना सकता था, उनके पास काबिलियत थी बनाने की, लेकिन परमेश्वर ने नहीं बनाने दिया। परमेश्वर ने इतनी उल्टी पुल्टी सी रीजन की वजह से उसको मतलब नहीं बनने दिया, भाषा में गड़बड़ी डाल दी और नहीं बनने दिया। तो इन लोगों ने ऐसी प्रॉब्लम को कभी मतलब सोचा भी था कि ऐसी प्रॉब्लम ये लोग कन्फ्रंट करेंगे, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम आई और वो नहीं बन पाया। तो जब इनकी भाषाओं में गड़बड़ी आ गई तो इन्होंने सोचा कि छोड़ो अब बाबेल टावर छोड़ो, सबसे पहले हम भाषाएं सीखते हैं एक दूसरे की। तो जब हम इंडिया CLF करते हैं तो वहां पे हर स्टेट के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो कितनी लैंग्वेजेस होती हैं, तो इंटरप्रिटेशन रूम में 9 भाषाएं थी। और मतलब पासपाक का सर्मन खत्म होने के बाद मतलब 9 मतलब जूम रूम्स में डिवाइड किया लैंग्वेज वाइज लाइक फेलोशिप करने के लिए। तो मतलब उसी प्रकार भाषा में गड़बड़ी डाल दी कि ये लोग काम नहीं कर पाए। ऑपोजिटली कि दाऊद के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसको अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाए, लेकिन परमेश्वर ने इतनी अद्भुत सी मतलब एक चीज रास्ते में वो अमाल की वो मिस्री लड़के को तैयार कर दिया जो उसकी मदद कर सका। तो इस मिस्री लड़के के मन में क्या मन आया होगा, हाँ मैंने अमालकियों के लिए इतनी मेहनत की, अपनी जान लगा के उसकी मदद की, लेकिन वो लोग मुझे कैसे फेंके चले गए क्योंकि मैं बीमार था। मतलब उसके मन में भी अमालकियों से शत्रु बन गए, इसलिए उसने एकदम से दाऊद की अगुवाई वहां तक कर दी। तो आप लोग का जीवन उत्पत्ति 12 के मार्ग पे अगर है तो परमेश्वर हजारों तरीकों से आपकी मदद करेगा और जो काम असंभव है उनको भी पूरा करा देगा। लेकिन अगर आप उत्पत्ति 11 के मार्ग पे चल रहे हैं तो परमेश्वर जो बिल्कुल बनने वाला काम होगा उसको भी बिगाड़ देगा। तो आप क्या कौन से परमेश्वर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो डिसीजन आपका खुद का है, आपको चूज करना पड़ेगा। तो आत्मिक जीवन को आपको हल्के रूप से ही लेना है,
हाँ ठीक है चर्च जाओ तो भी ठीक है, ना जाओ तो भी ठीक है, चर्च का काम करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए, ये कितना महान काम है। अगर आप चर्च का साथ देते हैं, आत्मिक जीवन जीते हैं, चर्च के काम के लिए मन डालते हैं, तो कवर में लगता है कि आत्मिक जीवन है, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर ने आपके लिए हजारों आशीष तैयार करके रखे हैं। तो आप लोगों की काबिलियत, आप लोगों के लिमिट के बाहर का जो काम है, वो भी परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है कि आप कर सकें। तो चॉइस आपका है कि आप कौन से मार्ग पे जाना चाहते हैं। तो जरूरी बात क्या है, तो आपको जब पता है कि परमेश्वर की इच्छा है लेकिन मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा करने का मन नहीं है, तो बहुत लोग हिचकिचाते रहते हैं, परमेश्वर इच्छा पता है लेकिन मेरा मन नहीं है, इसे मैं नहीं करना चाहता। तो अगर आपको पता है कि कोई चीज परमेश्वर की इच्छा है तो आपको हिचकिचाना नहीं है, एनी हाउ स्टार्ट करना है, एनी हाउ अपना कदम आगे बढ़ाना है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो चाहे आपको भी ठीक से नहीं पता, आपको नहीं पता कैसे करना है, नहीं आता है, तो हाँ अब तक चाहे मैंने आत्मिक जीवन नहीं जिया, आगे को मैं आत्मिक जीवन जीने का कॉन्फिडेंस नहीं रखता हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है कैसे करना है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। आप ये जान लो कि चर्च क्या चाहता है, उसके पीछे चल के अगर आप अपना कदम आगे बढ़ाते हो तो फिर परमेश्वर आपको हजारों तरीके से मदद करेगा। तो ये वचन एज्रा 5 अध्याय में लिखा हुआ है, एज्रा की किताब 5 अध्याय देखिए, एज्रा 5:2 पुराने नियम में एज्रा की किताब है, chapter 5:2 तब शालतियेल का पुत्र जरुबाबेल और योसादक का पुत्र येशु कमर मांगकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर ने नबी उनका साथ देते रहे। तो पहले मतलब सुलेमान ने मंदिर बनाया था, और उसके बाद दारियस राजा के टाइम पे दोबारा जब वो मंदिर बनाया तो उसको जरुबाबेल टेम्पल बोलते हैं। तो क्या जरुबाबेल ने उसको बनाया था, तो उसको जरुबाबेल टेम्पल क्यों बोला जाता है? एज्रा की किताब 5:2 में जैसे लिखा हुआ है, जब शालतियेल का पुत्र जरुबाबेल और योसादा का पुत्र येशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में बनाने लगे, मतलब बनाने लगे, उन्होंने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने वाला व्यक्ति जरुबाबेल है। तो जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो क्या होना चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, राइट? तभी तो आप कंस्ट्रक्शन करोगे। तो बहुत ज्यादा इसमें खर्चा था, तभी मंदिर बन सकता था। तो जरुबाबेल के पास क्या पैसा था? नहीं था। तो फिर तो क्या मंदिर बना के बस खत्म कर दो, हो गया? उसके अंदर वाचा का संदूक और दीवट और मतलब मेटी मतलब रोटी की मेज, ये सब चीजें सोने की बनी हुई है। तो पहले तो चाहे तंबू के रूप में मंदिर था, लेकिन तब भी अंदर की सारी चीजें सोने की थी। तो उसमें हजारों मतलब करोड़ों का सोना लगा हुआ था। तो मतलब उस काम को बड़ा आसान काम नहीं है, भारी रूप से देखा जो असंभव है। तो कब स्टार्ट करेंगे? जब हाँ हमारी कंडीशंस पूरी होंगी तब हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन जरुबाबेल क्या करता है? वो स्टार्ट करता है, अभी परिस्थिति कैसी भी हो वो स्टार्ट करता है। और कौन उसकी मदद करता है? यहाँ पे लिखा है, और परमेश्वर के वह नबी उनका साथ देते रहे। तो परमेश्वर के नबियों के पास क्या है, पैसा होता है? नहीं होता है। तो परमेश्वर के नबी ने कैसे उनको मदद किया? परमेश्वर के नबी लोग जानते थे कि परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए उन्होंने उनका साथ दिया।
लेकिन जरूबा पहल ने मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस मंदिर को बनाने के लिए। नबियों ने उसकी मदद की, नबी भी इस काम से खुश हुए, परमेश्वर उस काम से खुश था, इसलिए नबियों ने भी खुशी से उसका साथ दिया। तो कलीसिया किसी चीज से खुश है या नहीं, परमेश्वर का सेवा किसी चीज से खुश है या नहीं, वो छोटी मोटी बात लगती है लेकिन वो बहुत बड़ी बात है। तो परमेश्वर किस काम से खुश है किस काम से खुश नहीं है वो जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, परमेश्वर नबी उससे खुश है या नहीं वो जानना। तो वो छोटी सी बात लगती है लेकिन उसके अंदर उस मंदिर को बनाने के लिए जो कुछ जरूरी है वो सब कुछ उसके अंदर मौजूद है, वो सब कुछ उसके अंदर तैयार किया गया है। तो यहाँ पे नबी उसका साथ दे रहे, इसका मतलब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर इस काम से खुश है, इसलिए इसने स्टार्ट किया क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर से खुश था, परमेश्वर ने हर लिहाज से इसकी मदद की। तो वो एज़रा 6 में हम देख सकते हैं, एज़रा 6 का 1। तब राजा दारा की आज्ञा से बेबलोन के पुस्तकालय में जहां खजाना भी रहता था खोज की गई। मादे नामक प्रांत के अहमता नगर के राजगढ़ में पुस्तक मिली जिसमें यह वृत्तांत लिखा था। राजा कुसरू के पहले वर्ष में उसी कुसरू राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए और उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो, उसमें 3 गद्दे भारी भारी पत्थरों के हों और 1 परत नई लकड़ी की हो, और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। परमेश्वर के भवन में जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बेबलोन को पहुंचा दिए थे, वह लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाएं और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। तो जरूबाबाल ने सब शुरू किया। तो परिस्थिति चाहे असंभव लग रही थी लेकिन क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा थी, इसलिए परमेश्वर ने हर लिहाज से उसकी मदद की। परमेश्वर ने मतलब रास्ता खोला कि राजभवन से वो सारी जरूरतों को पूरा किया जाए। तो नबूकदनेस्सर ने जो पुराने जमाने में परमेश्वर के मंदिर से जो सोना चांदी उठा लिया था, तो वो सारा कुछ वापस लौटाने का फैसला लिया गया। तो फिर सारा काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो स्टार्टिंग ही आधा है या स्टार्टिंग ही सब कुछ है? तो अगर परमेश्वर की इच्छा है तो स्टार्टिंग ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जरूर उस काम में मदद करेगा। आपका लाइफ भी सेम है। तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये रास्ता आत्मिक जीवन का रास्ता नहीं है, तो फिर भी सोचते कि मैं तो शारीरिक इंसान हूं, मैं तो ऐसे ही जीऊंगा, मतलब हल्के रूप से आत्मिक जीवन के बारे में समझते हैं। तो मैं सुषमा चाकर नहीं जी सकता, इसलिए मैं अपने लिए जीऊंगा। तो परमेश्वर ने आत्मिक जीवन के छिलके के अंदर, चाहे कवर मतलब पैकिंग आत्मिक जीवन है, लेकिन अंदर मेरे लिए सब कुछ उसके अंदर तैयार करके रखा हुआ है। मेरे लिए सबसे आशीष जीवन जीने का मार्ग उसमें तैयार किया गया है। तो उसका प्रूफ कहाँ पे है? तो उसका प्रूफ उत्पत्ति 24 में है। तो आप प्रैक्टिकली उसको प्रूफ को देखेंगे तब आप समझ सकेंगे कि मेरे लिए जो आशीष तैयार किया है वो आत्मिक जीवन नाम की पैकिंग के अंदर है। उत्पत्ति 24 का 1। अब्राहम अवृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। तो परमेश्वर अब्राहम को सब बातों में आशीष थी। तो वह अपनी अपने सेवक को मतलब अपनी बहू लेने के लिए भेजता है, तो कैसे भेजता है? 10। तब वे दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नहाओ के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। तो एक ऊंट कहते कि 500 किलोग्राम वेट उठा सकता है। तो 10 ऊंट का मतलब क्या हुआ? 10 ऊंट का मतलब कितना हुआ? 5 टन सामान हुआ।
तो आप जब शिफ्टिंग करते हैं आपके घर की, तो आप कितने ट्रक्स यूज करते हैं? तो जब आप, तो आप मतलब ट्रक बुलाते हो ना, तो आप ट्रक में अपना सामान डालते हो, आप सारी अच्छी चीजें लेके जाते हो, सब कूड़ा कबाड़ा सब लेके जाते हो, तो आपके घर की जो जरूरत की चीजें हैं वो लेके जाते हो, राइट? तो ये अब्राहम, तो इसने भी अच्छी वस्तुएं, उत्तम पदार्थें इकट्ठी की, ऊंटों पे चढ़ाई, वो कितनी है, 5 टन है वो चीजें। तो इससे हम पता चला सकते हैं कि अब्राहम कितना आशीष मिला। तो परमेश्वर ने आत्मिक जीवन नाम के पैकिंग में हमारे जीवन के लिए सारे आशीष तैयार करके रखे हैं। तो इसलिए अगर परमेश्वर की इच्छा है, तो चाहे कितना भी कुछ इम्पॉसिबल लगे, लेकिन हमें स्टार्टिंग करनी है। हाँ, मेरा मतलब आत्मिक जीवन जीना परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए मुझे स्टार्ट करना है। तो अगर मैं स्टार्ट करूंगा, तो परमेश्वर हजारों तरीकों से हमारी मदद करेगा, हमारे सारी जरूरतों को पूरा करेगा, और सबसे मजेदार खुशी से भरा हुआ जीवन मुझे देगा। उस चीज उसके लिए जो भी चीजों की जरूरत है, वो सब आत्मिक जीवन के अंदर है। तो आपका जीवन बाबेल टावर बनाने का जीवन आप जी रहे हैं, आप उस मार्ग पे चल रहे हैं, या फिर चाहे ऐसा लग रहा है कि बर्बाद होने वाले हैं, लेकिन आप उत्पत्ति 12 के मार्ग पे चल रहे हैं, वचन के पीछे चलेंगे, उसके हिसाब से आपका जीवन बिल्कुल बदले बिना नहीं रह सकता। तो जो लोग उत्पत्ति 11 में खड़े हैं, तो क्यों मेरा जीवन इतना मतलब उलझा हुआ है, क्यों मेरा जीवन मतलब सुलझ नहीं रहा है? या तो आप आत्मिक जीवन जी नहीं रहे हो, या तो आप बिल्कुल ही कच्चा पक्का आत्मिक जीवन जी रहे हो, बाहरी रूप का आत्मिक जीवन जी रहे हो। तो अगर आप परमेश्वर की इच्छा के मार्ग पे चलेंगे, तो परमेश्वर आपको हजारों तरीके से हेल्प करेगा और आपको आशीष देगा, मैं विश्वास करता हूं।